तेरा जड़ा है कतलकांड होया, तस्वीरां सामने आईयां ने किस कदर इत्थे घटना वापरी है। एक शख्स वालों अपने माँ बाप का जड़ा है इत्थे कतल किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले की जांच जड़ी है वह की जा रही है, लेकिन जिस तरह के नाल एक घटना वापरी है ट्रिपल मर्डर के नाल एक बार फिर जलंधर जड़ा है दहल गया। दस दिए कि इस घटना के पिछे की वजह है ये हुण जड़ा पता लगाया जा रहा है। एक शख्स ने माँ प्यो ते भरा दा अपने कतल करता है, जमीन के लालच लई तिने जिया नूं मौत दे घाट उतारता गया। मुलजम ने गोलियां मार के अपने मापिया ते भरा दा कतल किया। लांबड़ा दे अधीन आउंदे टावर इनकलेव दा यह मामला दस्या जा रहा है। दस दिए कि पुलिस ने मुलजम नूं गिरफ्तार कर लिया है। हरप्रीत सिंह वजो इस मुलजम की पछाण हुई है। तस्वीर देख रहे हो यह वो शख्स है जिसने इस कतल की घटना अंजाम दिता है, तेरा कतलकांड। इत्थे उसने अपने माँ बाप के भरा गोलियां मार दित्तियां। वारदात को अंजाम देने मगरों मुलजम फिल्म वेखन गया सी, पुलिस वालों बयान सामने आया। मुलजम का भरा दिमागी तौर पर परेशान से। 17 अक्तूबर को जलंधर के पिंड पुजवल के माँ ते धी का कतल होया सी, और हुण जिस तरह के नाल एक घटना वापरी है एक बार जिहड़ा है लोग जिहड़े ने उह जरूर दहल गए ने कि इस तरह दी अपराधिक घटनावां किस कदर वापरियां ने। पर आही अपने जिहड़ा है परिवार का दुश्मन निकलिया, मृतकां दीआं लाशां जिहड़ियां ने उह घरों बरामद होईआं ने। मुलजम नूं फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। सो मुलजम ने गोलियां मार के मापिया ते अपने भरा दा कतल कीता। बेटे ने हरप्रीत ने अपने लाइसेंसी अपने फादर दे लाइसेंसी वेपन दे नाल अपने फादर नूं एक राइफल हैगी आ .22 उहदे नाल देखे जी 4-5 फायर उहनां दे वज्जे आ जी। मदर दे एक फायर मारिया इत्थे गल दे विच दनाली दा जी, एक अपने ब्रदर की छाती में फैल मारिया, तिना उन्हें मार दिता जी। जो सानू हाले फिलहाल जो पता लगा घर डिस्प्यूट जो इन्हों का फादर का जो बेटे का जो क्यूट है चलता सगा प्रोपर्टी लैके कह रहा मेरे नाम लवा दौ, इस तरह की कोई गल सू पता लगी है। बाकी सारी गल जी हौली हौली असं क्लीयर कर रहे हैं। जलंधर च एक बार फिर जिहड़ा कि ट्रिपल मर्डर का जिहड़ा मामला सामने आया, पर इस बार जिहड़ी वारदात हुई है वह बेहद झंझोड़ के रख देने वाली है। घरेलू कलेश जिहड़ा कि इन्ना वध गया, प्रॉपर्टी का जिहड़ा है कि लालच इन्ना क वध गया, जिहड़ा कि सके भरा दा ते मां प्यो दा जिहड़ा कि खून लैण लई उतारू हो गया, जिहड़ा कि उन्हां दा आपदा ही मुंडा। जी हाँ, मैं तुहानूं इह गल तां आख रिहा, जलंधर दे नाल वड़ाला चौंक दे कोल पैंदे थाणा लांबड़ा दे अधीन जिहड़ा है कि टावर इनकलेव जिथे मैं खड़ा वा, यह फेस 3 का एरिया 175 नंबर मकान, ये उही मकान है इस वेले जिन्हों हुण थोड़ी देर पहला पुलिस जिहड़ा है कि वह बंद करके गई है। इस घर दे विच जिहड़ा दस्या जांदा है कि अज दुपहर वाले जिहड़ा है कि 3 जिहड़े कि लोग दसे जांदे ने, जगतार सिंह, माता अमृतपाल कौर ते जिहड़ा पुत्तर जिहड़ा कि गगन दा जिहड़ा है कि अपने ही जिहड़े कि सके भरा जिहड़े वलों ओह जिहड़ा है कि जिंदे हाल तक ना जिहड़ा है कि ओह हरप्रीत दस्या जा रिहा उहदे वलों जिहड़ा है कि कतल कर दित्ता जांदा गोलियां मार के। पुलिस मौके ते आंदी है, तफतीश करदी है, मामले की जिहड़ी है कि आस पड़ोस तों जिहड़ी है कि गुआंढियां कोलों जानकारी लिती जांदी है कि पहली जिहड़ी मुढ़ली जानकारी निकल के सामने आंदी है ओह इही कि प्रॉपर्टी नूं ओह आपदे ना करवाणा चाहुंदा सीगा, लेकिन माँ प्यो जिहड़ा है कि इस गल नूं लैके जिहड़ा कि हामी नहीं भरदे सीगे। पर जिहड़ा कि इस तों बाद जिहड़ा कि लंबे समय तों जिहड़ा घर दे विच कलेश चलिया आ रहा सीगा उहदा अज नतीजा यह निकलिया कि मुंडे वालों अपने माँ प्यो ते अपने भरा नूं जिहड़ा कि गोलियां मार के जिहड़ा कि मौत दे घाट जिहड़ा उतार दिता गया। घर दे विच जिहड़े ने कि दो वैपन जरूर मौजूद सीगे, जिहदी एक वड्डी जिहड़ी वारदात दे विच जिहड़े ये वरते गए ने, उहदा कारण यही है कि जिहड़े इस घर दे जिहड़े बजुर्ग सीगे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਗਗਨ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੜਾਵਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਾਵਰ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਫੇਸ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਿਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਜਲੰਧਰ।
साडे नाल प्रभमीत इस वेले जुड़ चुके ने, उन्हां तों होर जानकारी लैंदे आ। प्रभमीत, जलंधर शहर तों जिस तरां नाल इक तों बाद इक अजिहियां खबरां सामने आ रही ने, किस तरह दे नाल परिवार दा जी अपने परिवार दा दुश्मन बन रहा, और इत्थे वी ओही घटना कि महज सिर्फ प्रॉपर्टी जिहड़ा है उस नूं लैके, जायदाद नूं लैके इस तरह दे नाल तेरा कतल हो गया। जी राजा, ये जलंधर च कल जिहड़ी ये घटना हुई है, ये अपने आप दे विच ही एक बहुत सारे सवाल पैदा करती है, जिथे रिश्तिया दा जिहड़ा है कि उतार तार होया। तुहानूं मैं दस्सदा कि 10 मरले दे घर दे पिछे जिहड़ा है कि वह घर दे जिहड़े कि वड्डे मुंडे ने जिहड़े कि अपने मां प्यो ते इक सके भरा नूं जिहड़ा कि मौत दे घाट उतार दिता। मैं तुहानूं दस्सदा कि ये घर दे विच जिहड़ा कलेश चलदा आ रहा सी टावरिंग क्लेव दे, कि पिछले लंबे समय तों प्रॉपर्टी नूं लैके ही विवाद सीगा, जिहड़ा कल इन्ना क सिर चढ़ जिहड़ा कि हरप्रीत सिर बोलिया सी जे कि उहने अपने प्यो जगवीर सिंह, माता अमृतपाल कौर ते छोटा जिहड़ा भरा गगनदीप दस्सिया जा रहा उहदी जान लै ली। थोड़ी जी मैं तुहानूं इस मामले दी सारी डिटेल दे रहा कल किस तरीके नाल घटनाक्रम होया। जी जलंधर च कल इह दस्सिया जा रहा है कि 2 तों लैके 6 वजे दे विच इह जिहड़ी है कि वारदात होई है, जिस तों बाद जिहड़ा है कि जिहड़ा हत्या रोपी है हरप्रीत इह घर नूं ताला ला दिंदा, ते उस तों बाद जिहड़ा कि फिल्म देखण चला जांदा वा। फिल्म देखण इह तां चला जांदा कि इह जदों हुण पुलिस हिरासत विच लै चुका गया कि रात नूं पुलिस ने जो इन्हें तो पूछ पड़ताल की है, इन्हें दसिया कि यह अपने मां प्यो का भरा का कतल करने तो बाद जिहड़ा कि टेंशन च आ गया सी, टेंशन नूं दूर करन वास्ते यह फिल्म देखण चला गया, जिस तों बाद यह पुलिस नूं जिहड़ा है कि थाने के आले दुआले ही किते जिहड़ा कि इहदी लोकेशन ट्रेस कीती ते मिलिया। जिहड़ी मुढ़ली पुछगिछ हुई है उहदे विच इही गल निकल के सामने आई है कि जिहड़ा इहदा छोटा भरा है जिहदा नाम गगन दस्सिया जांदा, उह जिहड़ा कि दिमागी तौर ते इन्ना चुस्त फुरत नहीं हैगा, जिस नूं जिहड़ा कि यह बार बार जिहड़ा कि गल्लां आखदा सीगा, ते जिहड़ी ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਾ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝਗੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ जी जी प्रभमीत शुक्रिया फिलहाल दी है सारी जानकारी दे लई, विस्तार दे नाल जो दिती है। यकीनन किस तरह दे नाल खून ही अपने खून दा प्यासा हो जांदा है, और इत्थे महज जिहड़ा है जायदाद दे लई, इस प्रॉपर्टी दे लई अपने मां प्यो दा, अपने भरा दा इस शख्स वल्लों बेरहमी नाल कतल करता गया।